हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यशस्वी एलिगेंस की, जो विजय क्रॉस रोड नवरंगपुरा के पास है। उसमें ये 8th फ्लोर पे 8वीं मंजिल पे 2128 स्क्वायर फीट का 3 BHK है, जो कि स्पेशियस होता है 236 स्क्वायर यार्ड्स सुपर। ये उसका नाइट एंड डे एलिवेशन है, इस तरह का एलिवेशन रहेगा। अगर हम नवरंगपुरा लोकेशन की बात करें और ये स्कीम के लोकेशन की बात करें, तो ये विजय क्रॉस रोड से मेमनगर फायर स्टेशन की ओर जाते वक्त लेफ्ट हैंड साइड पे आती है। ये एरिया पूरा गुजराती कॉस्मोपॉलिटन है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये पूरा एजुकेशनल एरिया है, तो इसमें काफ़ी सारे ग्रीन बेल्ट है, काफ़ी बड़े बड़े कैंपसेस है, लाइक गुजरात यूनिवर्सिटी, सेप्ट यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, MG साइंस कॉलेज, LD इंजीनियरिंग, जेवियर्स कॉलेज, सोम ललित, वो सब इसकी विसिनिटी में आते हैं। और इन सब के अपने अपने कैंपसेस हैं, बहुत बड़े। स्कीम की पीछे की और अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी के 2 ग्राउंड है, उसके पीछे गुजरात यूनिवर्सिटी का ग्राउंड है। सो काफ़ी ओपन एरिया है, पीसफुल और काम एरिया है रहने के लिए। एक और एडेड एडवांटेज ये है कि इसके नज़दीक मेट्रो स्टेशन है, अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी का और कॉमर्स 6 रोड का। ये विजय क्रॉस रोड जो है वो आश्रम रोड से काफ़ी नज़दीक है, ओल्ड सिटी पास में रहता है, तो कोई भी वहाँ पे जो भी बिजनेसमैन है उनके लिए भी एक आइडियल लोकेशन हो सकता है बिजनेस और रहने के लिए। मोरोवर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन भी काफ़ी नज़दीक रहते हैं। ये फ्रंट एलिवेशन रहेगा और ये इस तरह का फोयर आएगा इस सोसाइटी में। अगर हम स्कीम की बात करें, तो ये 14 स्टोरी सिंगल स्टैंड अलोन टावर है, 54 यूनिट की सोसाइटी है और सभी के सभी 3 BHK हैं। इसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे सिर्फ नूतन नागरिक बैंक है, उसके अलावा और कोई कॉमर्शियल शॉप्स, शोरूम्स कुछ भी नहीं है। और बाकी कुछ भी आपको डेली रूटीन चीज़ चाहिए तो वो सभी वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाती है। दूसरा अच्छा पॉइंट ये कि आसपास विजय क्रॉस रोड के आसपास काफ़ी सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स भी है। सोसाइटी में अगर देखा जाए तो जो भी प्रैक्टिकल और यूजेबल अमेनिटीज़ है, वो हर तरह की अमेनिटीज़ अवेलेबल है, लाइक क्लब हाउस है, गार्डन, CCTV, सिक्योरिटी, अलॉटेड कार पार्किंग, टेरेस गार्डन और प्रोबेबली टेरेस पे जिम का भी प्लानिंग है। इज़ द लेआउट ऑफ द अपार्टमेंट जो 8वीं मंजिल पे आएगा। ये नॉर्थ फेसिंग फ्लैट रहेगा, मतलब कि आप अगर फ्लैट से बाहर की तरफ जाते हो तो आपका फेस जो होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, तो वास्तु के हिसाब से भी ये बहुत फेवरेबल और अच्छा माना जाता है। दूसरे एंड से देखो तो पूरा फ्लैट जो है साउथ वेस्ट ओपन रहेगा, विच इज़ विंड डायरेक्शन इन इंडिया। अगर हम लिविंग रूम देखें तो ये 12x23 स्क्वायर फीट का है, तो 23 स्क्वायर फीट लॉन्ग इट विल गिव यू फील ऑफ ह्यूजनेस, वो बहुत बड़ा है। मतलब उसके एडजॉइनिंग बालकनी है जो कि मोस्टली परफेक्ट स्क्वायर है, 7.5x7.8 स्क्वायर फीट की। आप उसमें झूला, चेयर, टेबल कुछ भी रख सकते हो, विच वुड बी वेस्ट फेसिंग, तो वो विंड की डायरेक्शन है, तो वो विंड भी अच्छा आएगा और पीछे का व्यू भी अच्छा आएगा। इसके आसपास कोई बड़ी स्कीम नहीं है जो आपका व्यू ब्लॉक करती हो। उसके बाद जो है वो गेस्ट बेडरूम है, 10x11.5 फीट का, विच इज़ गुड साइज़, या आप उसको किड्स बेडरूम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। सामने डाइनिंग स्पेस है 10x11.5 का, पास में किचन है और किचन स्टोरेज है, किचन से वो डाइनिंग एरिया क्वाइट एक्सेसिबल है। उस किचन का वॉश एरिया भी काफ़ी बड़ा है, 4x7 फीट का। और उसके बाद में 2 मास्टर बेडरूम है, एक मास्टर बेडरूम को साउथ वेस्ट कॉर्नर पूरा दोनों डायरेक्शन मिलेगी, दूसरे मास्टर बेडरूम को साउथ डायरेक्शन मिलेगी। एक 13x11 का है, दूसरा 13x11.5 का है, और एंड बोथ आर गुड साइज। इट मीन्स आप उसमें सेपरेट वार्डरोब, टीवी स्पेस, आपका बेडरूम और उसके बाद भी काफ़ी सारी स्पेस बचती है आपके लिए। तो ये 2128 स्क्वायर फीट मीन्स 236 स्क्वायर यार्ड का जो अपार्टमेंट है सुपर बिल्टअप, उस हिसाब से काफ़ी बड़ा माना जाता है और एक आइडियल साइज
मानी जाती है बजट और टिकट साइज के हिसाब से। ओके, मोस्टली ये सब चीज़ हम आगे कवर कर चुके हैं। ये अभी जो आगे इमेजेस है वो सभी सैंपल हाउस की है, तो उसमें फर्निशिंग पार्ट नहीं मिलेगा आपको, बट आपको फिनिशिंग और उसका और स्पेस का आइडिया आ सकता है। इसके लिए इस तरह का डाइनिंग एरिया, किचन भी काफी बड़ा है, दो से तीन पर्सन आराम से काम। बेडरूम टू, बेडरूम थ्री, मास्टर बेडरूम। ये जो है आपका मास्टर बेडरूम का व्यू रहेगा साउथ डायरेक्शन का, जिसमें आप देख सकते हो कि मेट्रो का वो ब्रिज है और जो रोड है वो गुजरात यूनिवर्सिटी और जा रहा है, और मेट्रो का जो ब्रिज है वहाँ पे वो विजय क्रॉस रोड वाला सिग्नल है। ये जो है फ्रंट एलिवेशन है, जो कि टेरेस से आपको दिखेगा पूरा 120 फीट रिंग रोड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इसकी प्राइसिंग जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1.60 से लेके 1.65 CR के बीच में रहेगी। एंड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज़ कॉल मी ऑन बिलो नंबर। थैंक यू सो मच।